हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं बादाम खा रहा हूँ और मेरी वाइफ है कि रोटी बना रही है, आप लोग देख सकते हैं। आटा गूंथ रहे हैं। हम लोग को दिन भर टाइम नहीं मिलता है, इसके वजह से वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, मजबूर रहते हैं। अगर नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? रात का खाना बनाना। ये रात का खाना है, दिन में हम लोग कभी साथ में रहते ही नहीं है। दिन में मेरी वाइफ को घर का काम में बिजी रहती है और मैं अपना काम में बिजी रहता हूँ, तो इसके वजह से वीडियो बन नहीं पाती है। तो जो भी है वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आगे दिखाते हैं कि आगे क्या करते हैं हम लोग। देखिए, अभी मेरी वाइफ बादाम भून के दी है हमको, जो मैं खा रहा हूँ और वो भी खा रही है। देखिए फ्रेंड कि हम लोग खाना किसमें बनाते हैं, ये देखिए, हीटर में ये हीटर है फ्रेंड, ये हीटर में ही खाना हम लोग बनाते हैं। क्योंकि हम लोग का घर तरफ सब लोग कोयला से ही खाना बनाता है, लेकिन कोयला खरीदना पड़ता है। जिसका घर के सामने रहता है वो कोयला को माथे पे चुन चुनके के लेके आता है, उसके बाद उस चूल्हे में डालता है, फिर उसे अच्छा खासा आग होता है तो उसमें खाना बनता है। लेकिन हम लोग को उतना समय नहीं मिलने का कारण हम लोग हीटर में ही खाना बनाते हैं। अगर लाइन कट जाती है तो समझ लीजिए कि फिर रात भर हम लोग फिर भूखा रह जाएंगे। देखिए होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी क्या बोल रही है, बोल। कभी हो जाता है ऐसा कि दिन भर लाइन कट जाता है तो फिर हम लोग को दिन भर भूखे रहना पड़ता है। फिर जब लाइन आता है तो फिर हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि लाइन के अलावा और हम लोग को सुविधा भी नहीं है खाना बनाने का। दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं कि साथ में रह के खाना बनाए और आप लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पोजीशन इतना खराब है कि अगर एक दिन भी अगर काम ना करें अगर, तो फिर हम लोग का जो है कि खाना भी मुश्किल हो जाता है। बाकी अदर चीजों का तो फिर बात की बात है, बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। आगे दिखाते हैं आप लोग को कि क्या क्या करते हैं। अभी फिलहाल तो रोटी बन रहा है और आगे दिखाते हैं इसके साथ में क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, अब फाइनली हम लोग का रोटी बन चुका है, तो देखिए लास्ट रोटी है जो बन रही है अभी तक, ये देखिए जल गया थोड़ा सा रोटी जला दी है। देखिए तेल लगेगी, अब ये इसमें एक दो रोटी में तेल लगा देगी, क्योंकि तो तेल से रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। हो जाता है और खाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए ये इस तरह से तेल लगाएगी इसमें अभी, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, शायद आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। ये ज्यादा तेल दे दिए लगता है हमको। नहीं, थोड़ा ज्यादा रोटी में लगाएंगे। तरह से रोटी खाने का मजा आ जाता है। आज साथ में कुछ स्पेशल चीज बनने वाला है, इसलिए रोटी में तेल लग रहा है। हाँ, हम लोग के लिए स्पेशल है, आप लोग के लिए तो हम लोग के लिए तो स्पेशल है आज, जो कि रोज तो नहीं खा पाते हैं। देखिए ये मेरा स्टाइल है। ये मेरे वाइफ तेल इसी तरह लगाती है, इससे मैं थोड़ा रोटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से, शायद आप लोग भी इस तरह से खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा देखिए कि ये क्या कर रही है, लेकिन मेरा स्टाइल है तेल लगाने का, सब ऐसे तरह नहीं लगाते हैं। सबने लगा ली। देखिए रोटी फाइनली इसमें छे, वो छे ओनली फॉर छे, तीन तो ये खाएगी, तीन तो हम खाएंगे बस, रात का खाना कंप्लीट। बाकी सुबह क्या खाएंगे वो सुबह देखेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो भी देखेंगे। और आगे देखते हैं क्या बनाएंगे। देखिए ये बना रही है,
देखते हैं क्या ये बनेगा, प्लास्टिक वाला बनेगा। देखिए मैं मार्केट गया था तो वहीं से मैं लेके आया शाम को भोज, तो भूख लग गया था मुझे। तो देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को, ये है बादाम जो थोड़ा सा भी भून के खा चुके हैं, अचार है दोस्तों। देखिए ये मिक्स वाला अचार है, जब हम लोग सब्जी उब्जी नहीं बनता है तो उस समय इसको थोड़ा सा लगा के रोटी में या चावल में खाते हैं दोस्तों। और स्पेशल चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, ये स्पेशल चीज दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, यानी कि पन्नी को खोल रहा हूँ। अरे खुल नहीं रहा है, हार दिल नहीं खोल, ये दुकान वाला पता नहीं कैसा बांध दिया, ये खुल नहीं रहा है। अरे देखो ना तुमसे खुलेगा क्या, ये हार दीजिए ना, खुल गया खुल गया खुल जा तुम तीन। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ये अंडा। किसको मालूम, ये तो सबको मालूम रहता है कि क्या है। सो अभी मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके इसको भी हम लोग बनाएंगे, तो देखते हैं कि किस तरह लगता है खाने में, कैसा बनता है। तो इसको अभी फोड़ना पड़ेगा, देखिए लोगों को दिखाता हूँ। मैं अभी घोलेंगे अंडा को, कितना अंडा देना, चार अंडा बनेगा, दो में दो ये। वैसे फूट जाने के बाद फिर कैसे पता चलेगा दो लिए कि तीन लिए, तो आधा रखाएंगे। दो अंडा को फोड़ दिया है मैंने, ये तीसरा अंडा दिख रहा है। इधर से प्याज और मिर्चा काट दे रहा है, मेरे भाई प्याज और मिर्चा काट रही है। हमको चाकू में नहीं काट नहीं सकते, हमको डर लगता है, कटा लेते हैं। ये क्या है मालूम, आप लोगों को मालूम है दोस्तों, दिखा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए शायद, कि मालूम है या नहीं, मालूम नहीं, सबको मालूम रहता है। फिर भी बता देता हूँ, इसको बैठी बोलते हैं, बैठी, इससे प्याज वगैरह काटा जाता है, सब्जी वगैरह बहुत अच्छा कटता है इसमें। तो देखिए फ्रेंड अभी मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, और इधर इसका हाल देख लीजिए, मेरे धर्म पत्नी जी का आंसू निकल रहा है प्याज काटते काटते। ये देखिए प्याज कट गया है, आप लोग देख सकते हैं, और मैं अभी अंडा में ये नमक दे रहा हूँ, देखो नमक ठीक है, दीजिए ना थोड़ा नमक दे रहा हूँ अभी, नमक ज्यादा होगा या कम होगा नहीं मालूम। नमक दे दिया हूँ, हल्दी, अब हल्दी इसमें थोड़ा, ये देखिए हल्दी है, हल्दी भी दे दिए, अब इसमें ये मिक्स कर देंगे। क्या दे रहे हैं, देखिए प्याज वाज, प्याज अच्छी है, इसको हम लोग देंगे इसमें। इसको बंद कर देंगे, मसाले वाला डब्बा है, इसमें हम सारा मसाला को भर के रखते हैं। देखिए फ्रेंड अब इसको हम लोग मिलाएंगे, तो देखिए फ्रेंड अब वो अंडा को मिक्स कर दिए हैं, अभी इसमें तेल डाल रही है कढ़ाई में, अब अंडा का भुंजिया बनना चालू होगा।
देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बनता है और किस तरह से खाते हैं, किस तरह से अच्छा लगता है या बुरा लगता है, देखना बाकी है। देखते रहिए और तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। पहले इसमें तेल डाल दिया गया, अब सूखा मिर्चा डाल रही है शायद इसमें, उसमें सब डाल दिए ना हरे मिर्चा और प्याज, इसलिए सूखा मिर्चा। तो देखिए आपको बहुत जल रहा है, मेरे दीदी तो प्याज काटते काटते रोने भी लगी, अब थोड़ा बहुत रोना मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए को खोल दो, देखिए अब अंडा को इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड अब ये डाल रही है उसमें अंडा को, उसमें डालने के बाद अब इसमें भूंजेगी इसको अच्छे से मिक्स करेगी। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, आप लोग को तो दिख ही रहा होगा कि किस तरह बन रहा है, बैठने का जगह नहीं है। देखिए यही हम लोग आज स्पेशल रेसिपी हुआ, आज हम लोग स्पेशल रेसिपी खाएंगे। हम लोग के लिए यही स्पेशल हुआ है, डेली तो नहीं खा पाते हैं लेकिन जो भी कभी कभी खाते हैं तो बन रहा है, देखते हैं खाने में कैसा लगता है। जाहिर से बात है गरीब है तो अच्छा ही लगेगा। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि हम लोग के लिए कितना मायने रखता होगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए अब हमारा जो स्पेशल रेसिपी वो बन के रेडी हो चुका है, तो देखिए कुछ ही देर में बनने ही वाला है। मिर्चा पाउडर डाल दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या डाल रही है, देखिए इसमें मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को झाल बहुत पसंद है, झाल नहीं देंगे तो ये खाना खाएंगे ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग खाना बनता है, कैसा लगता है ये तो नहीं मालूम है लेकिन अगर स्पेशल तरीके से बन रहा तो स्पेशल ही लगेगा। देखते हैं ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है हमारा स्पेशल रेसिपी अंडा का भुंजिया। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, अब हम लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में, अच्छा बना है या बुरा बना है पता नहीं, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड स्पेशली जो हम लोग का रेसिपी था वो बन के रेडी हो चुका है, आप लोगों को तो दिखाई दिए हैं, अब इसको बारी है खाने का और टेस्ट करने का, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में। और ये मैं और मेरी बीबी दोनों मिलकर खाएंगे और देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसका, अच्छा बना है या खराब बना है, तो आप लोगों को भी बताएंगे खाने के बाद। थोड़ा सा खा कर देखो कैसा लगता है, आप खाइए। थोड़ा सा मैं खा कर देखता हूँ, देखिए खा रहा हूँ, पहले मैं इसको अपने वाइफ को खिला देता हूँ थोड़ा सा, देखिए अच्छा बना आप तो बोल रही है कि अच्छा है, अब हम भी थोड़ा सा खा कर देख लेते हैं। मस्त बना, खाना एक नंबर बना है, लाजवाब बना है। कैसा लगा? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है खाने में। चलिए इतना मेहनत बेकार नहीं किया हम लोग को और खा के मजा भी आ गया, इसको आज पेट भर के खाऊंगा।
साथ में अचार भी है जो कि खा रहे हैं, जो आप लोगों को हम दिखाए थे, जो मार्केट से भी लाए थे, और साथ में प्याज भी है जो एक ठो मेरी बीवी खाएगी, एक ठो मैं खाऊंगा, दो ठो है। लेकिन रोटी एक ही थाली में है, रोटी की थाली में खाते हैं हम लोग, जो था आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको खा के आप लोग से फिर मिलते हैं और आगे का वीडियो दिखाते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। फाइनली दोस्तों हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना खा के बहुत अच्छा लगा और बहुत टेस्टी भी लगा, क्योंकि आज जो रेसिपी बना था आप लोगों को तो हम बता ही दिए हैं कि क्या बना था, और दिखा भी दिए हैं क्या बना। तो खाना खाने के बाद तो बहुत अच्छा भी लगा, पेट भी भर गया पूरा, क्योंकि दिन में सिर्फ सुबह ही खाना खाया था, दोपहर में खाना नहीं खाया था, इसके वजह से पेट में चूहा दौड़ रहा था। तो आज देखते हैं कि क्या होता है, रात में अच्छा नींद भी आएगा क्योंकि पेट तो भरा हुआ है पूरा। और देखिए मेरे बीबी अभी बर्तन धोने के लिए चली गई है, चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि कहाँ बर्तन धोती है, वो भी दिखाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे भी मेरे बीबी बर्तन धो रही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। जल्दी आप बर्तन धो के, ठीक है, 10 मिनट लगेगा, जल्दी आ जाओ। तो देख, तो फाइनली दोस्तों अब मेरी वाइफ बर्तन धो के आ चुकी है और देखते हैं कि क्या करती है अभी। ये देखिए चाय गर्म कर रही है, जो कि चाय पहले से बना के रेडी था। ये चाय कौन सी चाय है वो दिखा देता हूँ आप लोग को, ये देखिए, ये कौन सा चाय है जी? ये लाल चाय है, ये अदरक वाला चाय है, अदरक काली मिर्च लौंग इलायची सब डाल के बनाया जाता है इसको, जो मैं रोज रात को सोने के समय पीता हूँ और सो के ही पीता हूँ। देखिए बस ये गर्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये बिना चाय पिए इनको नींद नहीं आता है, इसलिए डेली रात में आदत हो गया है ना, तो आदत तो अब तो सुधारना तो मुश्किल है, और कोई बुरी आदत तो है नहीं। लोगों को चाय पीने से नींद नहीं आती है ना, इनको बिना चाय पिए नींद ही नहीं लगता है, उल्टा आदत है इनका। देखिए छोटे से गिलास में हमको चाय मिल रहा है, पहले हमको चाय मिल चुकी है, देखिए अब मैं इसको पीऊंगा और पी के फिर सो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का वीडियो देखते हैं कैसा होता है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ये वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा, और जितना हो सकता है उतना शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।